सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ करेंगे, फिर बेस पे 13 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कीजिए। अभी हम ट्वीज़र की मदद से डीवीडी ड्राइव को बाहर निकालेंगे, बस अंदर डालना है और बाहर निकाल देना है। ये सिर्फ एक डमी है। अभी हम ट्वीज़र को अपर केस और बेस के बीच में डालेंगे और बेस को अनलॉक करेंगे। इस मदरबोर्ड अपर केस की तरफ अटैच किया हुआ है, इसलिए बेस बाहर की तरफ निकलेगा। अभी हम धीरे से बेस को ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं सभी पार्ट पे मार्क किया हुआ है और उनका नाम मेंशन किया हुआ है। अभी हम 4 स्क्रू खोलेंगे बैटरी को और बैटरी को बाहर निकालेंगे। धीरे से बैटरी को उठाएंगे और केबल को आराम से बाहर निकालेंगे। अभी हम टच पैड की केबल को अनलॉक करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। हार्ड डिस्क कनेक्टर की केबल को अनलॉक करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। डीवीडी ड्राइव कनेक्टर की केबल को अनलॉक करेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। कीबोर्ड की केबल को अनलॉक करेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। डिस्प्ले की केबल को अनलॉक करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। फ़ैन की केबल को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। वाईफाई एंटीना की केबल को निकाल देंगे। अभी हार्ड डिस्क को पीछे की तरफ से ऊपर उठाएंगे और बाहर खींच लेंगे कनेक्टर को होल्ड करके। स्पीकर की केबल को बाहर निकालेंगे। अभी 3 स्क्रू मदरबोर्ड के ऊपर और 1 स्क्रू हिंज पे और 1 स्क्रू फैन का, ये खोलेंगे हम। अब वाईफाई एंटीने की केबल को निकालेंगे फैन की साइड से। अभी हम हिंज के स्क्रूज खोलेंगे, 2 राइट साइड में लगे हुए, 2 लेफ्ट साइड में लगे हुए। अभी हम धीरे से हिंज को ऊपर की तरफ कर देंगे। अभी धीरे से मदरबोर्ड को उठा लेंगे। अभी दूसरी साइड से भी हिंज को ऊपर उठा लेंगे। अभी हम वाईफाई की एंटीना की केबल को निकालेंगे।
अभी हम अपर केस को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हीट सिंक के ऊपर 3 प्रोसेसर के स्क्रूज और 2 ग्राफिक कार्ड के स्क्रूज लगे हुए हैं। अभी हम वाईफाई कार्ड का एक स्क्रू खोलेंगे और धीरे से बाहर निकाल लेंगे। अभी हम वाईफाई कार्ड को डालेंगे दोबारा से और एक स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी हम मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे। केबल्स का ध्यान रखना, कोई भी केबल नीचे ना आ जाए मदरबोर्ड के। तीन स्क्रू टाइट करेंगे मदरबोर्ड के। अभी हम पैनल को फिक्स करेंगे। ध्यान से दोनों हिंजों को नीचे करेंगे दोनों साइड की। अभी हम हिंज के 4 स्क्रूज टाइट कर देंगे। अभी हम डिस्प्ले केबल को अटैच करेंगे और लॉक कर देंगे। कीबोर्ड की केबल को अटैच करेंगे और लॉक कर देंगे। डीवीडी ड्राइव कनेक्टर की केबल को लगाएंगे और लॉक कर देंगे। पर उसके लिए सबसे पहले हमें वाईफाई कार्ड को निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे उसका लॉक लगा है। अब लॉक करके वाईफाई कार्ड को फिक्स कर देंगे। अब हम हार्ड डिस्क कनेक्टर की केबल को बड़ी ध्यान से लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। जैसे कंफर्ट होता है उसी तरह लगाओ। ट्वीज़र से लगा सकते हैं या सीधा हैंड से। अभी हम टच पैड की केबल को लगाएंगे और लॉक करेंगे। स्पीकर की केबल को लगाएंगे और लॉक करेंगे। वैसे स्पीकर की केबल में कोई लॉक नहीं है, सिर्फ डालना ही है अंदर। अभी हम एंटीने की केबल को सेट कर लेंगे। अभी हम फैन को फिक्स करके एक स्क्रू टाइट कर लेंगे। फैन की केबल को लगाएंगे। एंटीने की केबल को फिक्स करेंगे
फ़ैन के साइड में प्लास्टिक होल्डर होते हैं वहाँ पे, अब ध्यान से एंटीने की केबल को लगाएंगे वाईफाई कार्ड में, कलर कोड के हिसाब से ही लगेगा वो। अभी हम हार्ड डिस्क को लगाएंगे, हार्ड डिस्क के कनेक्टर को पकड़ के हार्ड डिस्क को अंदर डाल देना है। सबसे पहले हम बैटरी की केबल को लगाएंगे, फिर चार स्क्रूज टाइट करेंगे, अभी हम बेस को फिक्स करेंगे। सभी साइड से उसे दबा लेना है ताकि वो लॉक हो जाए। अभी हम डीवीडी डमी को लगाएंगे अंदर। सबसे पहले दो हिंज के स्क्रूज को टाइट करेंगे, अभी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे सभी तरफ से प्रेस करके ताकि ये प्रॉपरली लॉक है। अभी हम बाकी के 11 स्क्रूज को टाइट करेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।